वेलकम एवरीवन। सो अब हम करने लगे हैं हमारा फेरिंग्स का अगला टॉपिक, दैट इज क्रॉनिक फेरिंजाइटिस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जिसके साथ मैं कहती हूँ कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है तो वो इस वजह से, क्योंकि उसमें से SEQ भी बहुत दफ़ा आया हुआ होता है, या फिर एक दफ़ा भी आया हो तो SEQ की वेटेज इतनी ज़्यादा है कि आपको उसको ध्यान से ज़रूर एक दफ़ा पढ़ना होता है, और MCQs भी उस टॉपिक से ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। तो ये जो आपका क्रॉनिक फेरिंजाइटिस है, ये आपके SEQs में आता होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्रॉनिक फेरिंजाइटिस क्या है, हमने बात की थी पहले नेसोफेरिंजियम की, तो तब हमने एक्यूट और क्रॉनिक पढ़ा था। दिस इज़ नाउ अबाउट फेरिंजाइटिस, जिसमें हम जनरली फेरिंग्स को इन्वॉल्व करें, जिसमें आपका नेजो ओरोफ और जो लेरेंगियो फेरिंग्स है वो तीनों भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, और सिर्फ ओरोफेरिंग्स हम मेनली इससे मतलब लेते हैं, ठीक है। जब हम हाली फेरिंजाइटिस कहते हैं ना, तो उससे हमारा मेन मकसद होता है ओरोफेरिंग्स कहना। क्रॉनिक फेरिंजाइटिस का मतलब है कि लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन ऑफ योर फेरिंग्स, जिसकी वजह से वहाँ पर सब कुछ कैसे डैमेज होगा। आपको पता है फेरिंग्स की वॉल किस तरह है? आपको पता है हमारी सारी GIT, फेरिंग्स इज अ पार्ट ऑफ योर, मतलब GIT का पार्ट उस तरह तो नहीं बनता, लेकिन ये बिकॉज ओरल कैविटी से इसका ताल्लुक है, तो ये GIT में भी आता है। तो हमारी सारी की लाइनिंग किस तरह होती है? सबसे पहले म्यूकोजा होता है, म्यूकोजा के बाद वी हैव सब म्यूकोजा, फिर मस्कुलरिस लेयर है, और फिर हमारा सिरोजा आता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले म्यूकोजा होगा, म्यूकोजा के बाद म्यूकोजा के में क्या होता है, एपिथीलियम, और एपिथीलियम जैसा भी है, यहाँ पर कलमदर टाइप होगा मेरा ख्याल है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। और एपिथीलियम के बाद वी हैव लेमिना प्रोप्रिया, और लेमिना प्रोप्रिया ऑफ फेरिंग्स में हमारे पास लिम्फेटिक नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल है। जब क्रॉनिक फेरिंजाइटिस होगा ना, उसमें क्या है, उसके अलावा यस, एक बात रहेगी कि हमारे पास जो फेरिंग्स है उसमें ऑफकोर्स ये बात है वी हैव ग्लैंड्स, क्योंकि फेरिंग्स हर टाइम लुब्रिकेटेड रहते हैं, क्योंकि यहाँ से फूड ने पास करना है, यहाँ से एयर ने पास करना है। तो हमारे पास फेरिंग्स के यहाँ पर जो म्यूकोजा है उसमें ग्लैंड्स होते हैं, सीरोम्यूसिनस ग्लैंड, जो मिक्स्ड सीरस एंड म्यूसिनस टाइप की सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं। ये मैंने आपको जनरली बताया कि फेरिंग्स में क्या क्या है, बाहर एपिथीलियम है, एपिथीलियम के बाद लेमिना प्रोप्रिया है, ये दोनों चीज़ें मिलकर बना रही है म्यूकोजा, और इसमें ही हमारे पास सीरोम्यूसिनस ग्लैंड्स भी हैं, और सब एपिथीलियल लिम्फोइड फॉलिकल्स भी हैं, देन बाकी कोट्स आते हैं। तो मकसद क्या था बताने का, कि जो क्रॉनिक फेरिंजाइटिस है ना, हमने एक्यूट फेरिंजाइटिस की बात की थी, एक्यूट फेरिंजाइटिस में तो सिंपल सा एडिमा एंड जो एडिमा और जनरल जो चीज़ें होती हैं कि कंजेशन होगी, वही सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो क्रॉनिक टाइप ऑफ फेरिंजाइटिस है, रिमेंबर, उसमें हमारे पास अंदर तक बात चली जाती है कि देयर इज एडिमा एंड कंजेशन ऑफ द एपिथीलियम ऑफ द फेरिंग्स, और उसके अलावा जो हमारे लिम्फेटिक नोड्यूल्स हैं उनकी हाइपरट्रोफी हो जाती है, बिकॉज बार 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 एक जगह पर इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन की वजह से जो लिम्फ नोड्स हैं वो भी बड़े हो जाते हैं। उसके बाद जो सीरोम्यूसिनस ग्लैंड्स हैं उनकी भी हाइपरट्रोफी हो जाती है, बिकॉज बार बार इन्फेक्शन एक जगह आ रहे हैं, और इतना फैल जाता है कि सब म्यूकोजा से आगे जाते जाते मस्कुलरिस लेयर भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो इतना ज़्यादा इन्फेक्शन, मतलब इतना ज़्यादा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में फेरिंग्स आपका ख़राब हो जाता है। तो होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं मतलब क्या बताना चाह रही हूँ। इस वजह से मैं इतनी घुस के ये बात बता रही थी, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। फिर हमारे पास क्रॉनिक फेरिंजाइटिस में हमने बात कर ली कि लिम्फ नोड्स भी स्वॉलन है, और उसके साथ साथ हमारे पास हाइपरट्रोफी ऑफ द सीरोम्यूसिनस ग्लैंड्स भी, और मस्कुलरिस लेयर तक भी इन्फ्लेमेशन फैली हुई है। दो तरह की हमारे पास फेरिंजाइटिस होता है, ठीक है, ये जो क्रॉनिक फेरिंजाइटिस, क्रॉनिक कैटारल फेरिंजाइटिस एंड क्रॉनिक हाइपरट्रोफिक फेरिंजाइटिस। रिमेंबर वन थिंग, कि आपका जो पहली बात तो ये क्वेश्चन आया था ना, उसमें उन्होंने कहा था कि व्हाट इज क्रॉनिक फेरिंजाइटिस एंड राइट इट्स टाइप्स, ठीक है। तो फिर आपने उसमें डेफिनेशन वगैरह लिख के, एंड देन आपने दोनों टाइप्स को लिखना है और उनको थोड़ा थोड़ा सा बताना है। जो क्रॉनिक कैटारल है ना, इसमें आपने याद रखने कैटार का वर्ड जब भी आता है तो वहाँ जहाँ सिक्रीशंस ज़्यादा होंगी, तो दिस इज मोर एसोसिएटेड विद एक्सेसिव प्रोडक्शंस ऑफ दिस सीरस एंड म्यूसिनस सिक्रीशंस बाय सीरोम्यूसिनस ग्लैंड्स। जब आपके सीरोम्यूसिनस ग्लैंड्स की हाइपरट्रोफी हो रही है ना, तो जाहिर है कि वो अपनी सिक्रीशंस भी ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। तो जिस टाइप में ये सिक्रीशंस ज़्यादा होती हैं सीरोम्यूसिनस ग्लैंड्स की, वो क्रॉनिक कैटारल टाइप होता है, और जिस टाइप में आपकी जो लिम्फेटिक नोड्यूल्स है इनकी हाइपरट्रोफी ज़्यादा होगी, वो हमारा उसमें फिर क्या होगा कि आपकी नोड्यूल या ग्रेन्यूल्स ऐसे अपेयर हो जाएंगे फेरिंग्स की वॉल पर, रेड कलर के स्वॉलन ग्रेन्यूल्स आएंगे, वो क्रॉनिक हाइपरट्रोफिक है। यही बस मेन बात आपने दोनों में याद रखनी है, यही मेन डिफरेंस है। वो वाला क्रॉनिक टाइप जिसमें वी हैव लॉन्ग हिस्ट्री, कॉज से हमें पता चलेगा, हिस्ट्री से हमें पता चलेगा, जब हम देखेंगे तो वी विल फाइंड एक्सट्रीमली कंजेस्टेड हमारा फेरिंग्स, और एक्सट्रीमली सिक्रीशन से भरा हुआ, एडिमा बहुत ज़्यादा, वो रेडनेस बहुत ज़्यादा है, वो कैटारल टाइप है, जिसमें हमें ग्रेन्यूल्स यानी कि छोटे छोटे से
ऐसे स्वॉलन से ग्रेन्यूल्स बने हुए नजर आएंगे, वो हाइपरट्रोफिक है, दैट्स इट। और कोई इसमें बात नहीं इंपॉर्टेंट, बाकी सारी वही जनरल बात नहीं। कॉजेज मैं आपको बता देती हूँ, इसके जो कॉजेज है वो क्या हो सकते हैं, नेबरहुड का कोई इन्फेक्शन चल रहा है, क्या इन्फेक्शन हो सकता है, साइनोसाइटिस है, कोई भी ऐसी चीज़ है, या नोज में राइनाइटिस है जिसकी वजह से आपका बार बार सिक्रीशंस आके फेरिंग्स में गिर रही हैं। तो वो जब इन्फेक्शियस सिक्रीशंस बार बार आके गिरती हैं तो आपके फेरिंग्स में क्रॉनिक इन्फेक्शन कर सकती हैं। फिर दूसरी क्या चीज़ होती है, आपकी माउथ ब्रीथिंग, अगर आपकी नोज किसी भी वजह से बंद है, आप मुंह से सांस लेते हैं, जैसे एडिनॉइड्स वाले बच्चे होते हैं या नेजल पोलिप्स के पेशेंट्स होते हैं, जब मुंह से सांस ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, नाक का अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा फंक्शन बनाया हुआ है कि वो जब उसमें से हवा गुजर के आती है ना, तो उसमें हवा वार्म भी हो जाती है, ह्यूमिडिफाई भी हो जाती है, और उसमें से बहुत सारे अगर हमारे पास नोज़ का अपना नॉर्मल फंक्शन वाली जो इसके सारे फंक्शन है कि इसने वार्म करना है, ह्यूमिडिफाई करना है, अगर वो फंक्शन लूज़ हो जाते हैं और एयर डायरेक्टली हमारे मुंह से जो लोग सांस ले रहे हैं उनमें इन सब चीज़ों के बगैर वो अंदर आ जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि वो एयर बैक्टीरिया यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाली होगी, वो ह्यूमिडिफाई नहीं हुई हुई होगी, वो वार्म नहीं हुई हुई होगी, वो फिल्टर नहीं हुई हुई होगी, तो डेफिनेट सी बात है कि ऐसी एयर आपके फेरिंग्स को मुसलसल एक ट्रॉमा दे रही है। तो माउथ ब्रीथर्स में बहुत कॉमनली क्रॉनिक फेरिंजाइटिस होने के चांसेस होते हैं। फिर जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग इरिटेंट्स कोई और टोबैको च्यूइंग करते हैं या कोई और कोई भी इरिटेंट चीज़ है, किसी ऐसे इलाके में काम करते हैं जहाँ पर मुसलसल वो डस्ट वगैरह या फ्यूम्स इनहेल कर रहे हैं, उसके साथ अगर कोई वो हैवी ड्रिंकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल वगैरह, तो जो भी इरिटेंट चीज़ है जो आपकी इरिटेशन करती है म्यूकोजा की, वो क्रॉनिक फेरिंजाइटिस कर सकती है, ठीक है। देन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, मैंने आपको बता दिया कि जो फ्यूम्स हैं, डस्ट है, और जो भी ऐसे इरिटेंट इन केमिकल्स हमारे इन्वायरमेंट में इस वक्त शामिल हैं, दे ऑल कैन ऑल्सो कॉज योर फेरिंजाइटिस। एंड देन फॉल्टी वॉइस प्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट कॉज है, वो क्या है जी, जिन लोगों को आदत होती है ना, उनकी हैबिचुअल आदत होती है कि बार बार उन्हें गला साफ करना है, बार बार उनको अपना वो ना ऐसे कहते हैं जिसको कि वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह से वो अपने गले में से कुछ साफ कर लें, यानी उन्हें लगता है कि पता नहीं गले में क्या लटका हुआ है, या बार बार अजीबोगरीब सी उनकी आदतें होती हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज फॉल्टी वॉइस प्रोडक्शन, जानबूझ के बगैर करना, एंड दिस इज़ एक्चुअली अ न्यूरोटिक डिसऑर्डर, जिनको कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है उसकी वजह से वो ऐसे करते हैं, तो वो भी आपके फेरिंग्स को बार बार ट्रॉमा दे रहे होते हैं बेसिकली, और इससे भी हमारा क्रॉनिक फेरिंजाइटिस हो जाता है, ठीक है। ये जो कॉसेस है ना, ये दोनों में से कोई भी एक टाइप डिवेलप कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है। पेशेंट हमेशा इसी बात के साथ प्रेजेंट करेगा कि डिस्कम्फर्ट है, पेन है गले में, और बंद फील होता है, कुछ सही से खाया नहीं जाता, बहुत भारीपन है, और जोर थोड़ा सा बोलता हूँ तो थक जाता हूँ, और रेशा बहुत आता है, बिकॉज एडिमा और बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन हो रही है ना, तो इसलिए वो कहेगा कि बहुत ज़्यादा, बल्कि रेशा आएगा भी नहीं, वो कहेगा बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है गले में ही अटका हुआ है, कफ होती है उसकी वजह से मुझे। और साइंस मैंने आपको बता दिया, टाइप वन में आपको नजर आएंगे बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड रेड कलर का एक्सट्रीमली सिक्रीशन से भरा हुआ म्यूकोजा, टाइप टू में आपको नजर आएंगे नोड्यूल्स, यही दोनों का डिफरेंस है। ट्रीटमेंट में फर्स्ट थिंग इज टू रिमूव द कॉज, जो भी कॉज है इनमें से आप उसको रिमूव करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता कंडीशन खुद ही बेहतर हो जाती है। उसके साथ साथ अपने पेशेंट को कहना है कि अपनी वॉइस को रेस्ट देगा, वो जो गरारे होते हैं गर्म पानी से नमक डाल के गरारे करेगा, और अगर बहुत ज़्यादा मसला है या फॉलिकल्स बहुत बड़े हैं तो फिर आपको उनको कॉटरी करना पड़ता है, यानी सर्जिकली आपको हल्का सा उनको रिमूव कर देंगे, या फिर कोई लोकल एनेस्थेटिक पेंट होगा जो वहाँ पर लगा देंगे, सो इट विल क्योर इट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये ख़त्म हो जाता है टॉपिक, इसको कर लेना थोड़ा अच्छे से, क्योंकि ये एसी क्यूज़ में आता है, किसी को भी कोई मसला हो ये कैन आस्क मी, थैंक यू।